हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा महाशिवरात्रि की पूजा के दौरान भूल कर भी ये 7 गलतियां मत करना, नहीं तो भगवान शिव अप्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल स्प्रेडिंग धर्मा को सब्सक्राइब करें, शेयर एंड लाइक करें और अंत में बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब भी हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, सनातन धर्म के प्रसार करने में हमारी मदद करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन ये 7 गलतियां आप शिव जी की पूजा के दौरान ना करें। सबसे पहली गलती है दोस्तों, शंख जल। भगवान शिव ने शंख चूर्ण नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है और शिव की नहीं। तो दोस्तों, आपको शिव भगवान की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी जो सावधानी आपको रखनी है, पुष्प। भगवान शिव की पूजा में केसर, दुपहरिका, मालती, चंपा, चमेली, कुंद, जूही आदि के पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए। तो दोस्तों, आपको शिव की पूजा में ये पुष्प नहीं चढ़ाने हैं। तीसरा है दोस्तों, करताल। भगवान शिव के पूजन के समय करताल नहीं बजानी चाहिए। चौथी गलती है जो आपको नहीं करनी है, तुलसी पत्ता। जलंधर नामक असुर की पत्नी वृंदा के अंश से तुलसी का जन्म हुआ था, जिसे भगवान विष्णु ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए तुलसी से शिव जी की पूजा नहीं होती है। पांचवी जो गलती आपको नहीं करनी है, काला तिल। यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसलिए इसे भगवान शिव को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। छठवीं गलती है जो आपको नहीं करनी है, टूटे हुए चावल। भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए यह शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता। सातवीं जो आपको गलती नहीं करनी है, कुमकुम। यह सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि भगवान शिव वैरागी हैं, इसलिए शिव जी को कुमकुम नहीं चढ़ाना है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिव की पूजा के दौरान ये 7 गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी है। जय शिव शंकर। दोस्तों।